दोस्तों, आज हम जिस शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 7.53 रुपीज़ पे। ले चलता हूँ आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -42.61%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -42.61%, 1 ईयर रिटर्न दिया है -43.94%, ईयर टू डेट रिटर्न दिया है -44.06%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -56.60%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है -21.32%, 5 डेज में रिटर्न दिया है -9.28%, और 1 डे में रिटर्न दिया है 4.73%। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हम आ गए हैं इसके वेबसाइट पे, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड का। दोस्तों, इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 8.46 करोड़ की है, मार्केट कैप लेस देन 100 करोड़ से। ये एक पेनी स्टॉक है, इसकी जो करंट प्राइस है 7.44 रुपीज़ की है। कल 52 वीक हाई है 34.2 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 6.92 रुपीज़ का, अभी 52 वीक के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की जो पी है 121 की है, इसकी जो ROC है 0.73% की है, इसकी जो ROE है 0.58%, इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की। दोस्तों, ये चार्ट है नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी हैज रेडी डेट, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी नॉर्मल डेट फ्री, लगभग कर्ज बुक कंपनी है, इसलिए अच्छी बात है। कॉस्ट चेक करते हैं, प्रमोटर होल्डिंग लो 21.22%, कंपनी में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है लो है कम 21.22% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -0.03% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, कम है, -0.03% का है। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 372.60 डेज। कंपनी की जो डिबेटर्स वो हाई है 372.60 डेज का है। एयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है एडिबल ऑयल के सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है सॉल्वेंट एक्सट्रक्शन की है। इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है अडानी बिलमार है, देन रुचि सोया इंडस्ट्रीज है, उसके बाद गुजरात अंबुजा XP है, देन एग्रो टेक फूड्स है, उसके बाद गोकुल एग्रो है, देन AVT नेचुरल प्रोडक्ट्स है, देन मनोरमा इंडस्ट्रीज है, और नंबर 8 पे है नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। इसे क्वार्टरली चेक करते हैं, जो 2019 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट थी -0.08 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है -0.04 करोड़ की है। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट है उसमें सुधार हुआ है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, मार्च 2016 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट थी 0 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 0.07 करोड़ की। कंपनी नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपनी सेल ग्रोथ 5 ईयर्स में 26%, 3 ईयर्स में 2%। कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में -3%, 3 ईयर्स में 0%। स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ पे जानकारी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स में 1%, 3 ईयर्स में 0%, लास्ट ईयर में 1%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2016 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स थी 11.40 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 12.30 करोड़ की। कंपनी टोटल एसेट पर यहाँ पे बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2016 में कंपनी नेट कैश फ्लो था 0.04 करोड़ का था, और मार्च 2022 कंपनी नेट कैश फ्लो है 0.17 करोड़ का है। कंपनी नेट कैश फ्लो यहाँ पर बढ़ा हुआ है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2016 में कंपनी जो कैश कन्वर्जन साइकिल्स थी 821.25 की थी, और मार्च 2020 में कंपनी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है 422.95 की है।
कैसे हो जाए साइकिल यहाँ पे कम हुई है। हमारे जो 16 में कंपनी की जो ROC उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है, और मार्च 2022 में कंपनी की जो ROC है वो 0.73% की। जी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। मार्च 2020 में प्रोटस के पास 28.96% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में प्रोटस के पास 21.22% शेयर्स हैं। प्रोटस की जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, मार्च 2020 में पब्लिक के पास 21.04% शेयर्स थे, मार्च 2022 में पब्लिक के पास 17.78% शेयर्स हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। दोस्तों हमने डिटेल एनालिसिस किया नेचुरल बायोकॉन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।